दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के प्रत्येक देवी देवताओं के नाम में हमें कुछ अलग से अर्थ जानने मिलते हैं। उसी में जैसे हमारे प्रभु श्री राम के नाम के स्मरण करने से ही पूरे ब्रह्मांड का स्मरण हो जाता है, उसी में हम में से अधिकतर लोगों के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर उत्पन्न होता है कि आखिर क्यों हिंदू धर्म के किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात जब उसकी अस्थि को उठाकर शमशान घाट ले जाया जाता है तो आखिर क्यों तब सिर्फ राम नाम सत्य है का उच्चारण किया जाता है और सिर्फ क्यों राम नाम सत्य ही कहा जाता है। तो दोस्तों, इसी को जानने व वीडियो को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टॉक विद जिंदगी में, जिसमें आपको ऐसे ही कथा और कहानियों के बातें व उनसे जुड़े रहस्य जानने मिलेंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि राम नाम सत्य का जाप करने का फल 1000 बार किसी देवी देवताओं का स्मरण करने के बराबर होता है। तो दोस्तों, जब मृत्यु के बाद शव को ले जाया जाता है तब राम नाम सत्य जाप ही किया जाता है, जबकि इसके विपरीत किसी खुशी के मौके पर राम नाम सत्य का उच्चारण नहीं किया जाता। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये होता है कि जब शव को शमशान की तरफ ले जाया जाता है तो राम नाम सत्य है का उच्चारण जिसकी मृत्यु हुई है उसके लिए नहीं किया जाता, बल्कि जो शव के साथ उसके परिवार के सदस्य और उसके करीबी मित्र गणों के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके पीछे का ये कारण होता है कि इसके माध्यम से उन सभी को ये बताया जा रहा है कि इस संसार में हमारा अपना कोई नहीं है, इस संसार में व्यक्ति अकेला ही आता है और उसे इस संसार से अकेले ही जाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों शरीर नश्वर है और आत्मा इस जीवन चक्र से मुक्त होकर संसार के सभी लोभ लाभ मोह क्रोध को छोड़ मुक्त हो जाती है, इसलिए अब उस मृत शरीर का कोई अर्थ नहीं होता। और हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा भी कहा जाता है कि एक सिर्फ राम नाम ही है जो सत्य है। इस राम नाम के जप से ये एहसास होता है कि वो व्यक्ति इस संसार की मोह माया से मुक्त हो चुका है। और अब बात आती है कि क्यों सिर्फ प्रभु श्री राम का ही नाम क्यों लिया जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि जब वो व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसके प्रियजन, उसका परिवार, उसके मित्र सभी इस बात को उस वक्त सह नहीं पाते कि वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों, तब उस समय उन सबको राम नाम के जप से उस सच का सामना करने में शक्ति मिलती है और उन्हें मानसिक रूप से यह सच को स्वीकार करने में मदद मिलती है। दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं कि जब घर के किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु होती है तब उसके परिवार के लोग उसके धन संपत्ति के बंटवारे में लग जाते हैं और फिर इसी से उनमें एक दूसरे के प्रति नफरत, रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती है, परंतु वो लोग ये नहीं समझ पाते कि ये सब लोभ मोह की माया है, कभी ना कभी उनकी भी मृत्यु होनी निश्चित है। इस संसार का यही नियम है कि जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। जो कर्म उसने दूसरों के लिए साथ किया है वो कल उसके साथ भी होगा। और दोस्तों, हमारे इन्हीं सब कर्मों से हमें शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे आने वाले पहले जन्म का निर्माण होता है और इसी में कहा जाता है कि इस संसार की मोह माया को कोई नहीं समझ पाता और जो समझ लेता है तब वो मोह को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, इसी कारणवश मृत्यु को ले जाते समय कहा जाता है राम नाम सत्य। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारियों में से अगर कोई भी बात आपको पहले से पता थी तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।